हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स के ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि हमारी पवन सीरीज की है, जो कि बिल्कुल नई नई पवन साहित्य प्रकाशन की पवन सीरीज है। उसमें से हम चार वीडियो पहले ही बना चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। और इससे पहले के जो सारे क्वेश्चंस हैं, उन चार वीडियोस में हमने अच्छे से कवर किए हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने तरीके से और विस्तार से बताया है, और ये पांचवी वीडियो है। जी हाँ, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ऊपर आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर ऊपर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, इस क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। 50वां क्वेश्चन आज का है, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की वीडियो आज हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो देखो, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ा होगा वृत्त का, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। जी हाँ, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि उत्तर सा हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे, आप ध्यान से समझिएगा एक एक क्वेश्चन को, एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से बताएंगे। उसके बाद है 51 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। क्या, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना है, 616, तो इसका व्यास क्या होगा। अब देखो, व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना, यानी कि 2r होता है। तो हमें 2r की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्चुअल में 2r की वैल्यू क्या निकलेगी। तो देखो, आइए निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हम वो देख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो वृत्त का क्षेत्रफल गिवन है, यानी कि हमारे पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, जो कि है 616। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 616 है, तो हमें 2r की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें 2r मिल जाए। तो सबसे पहले पाई, पाई की जगह हमें पाई को हटाकर हमें उसकी वैल्यू रखनी होगी 22/7। अब देखो, 22 से 616 काटना है ये। तो देखो, 11 × 2 = 22, और 11 से ये कितनी बार कटेगा, 11 × 5 = 55, और 55 के बाद कितना बचा, 6 × 11 = 66, पूरा कट गया। अब देखो, 2 से 56 कट जाएगा, 2 से 56 कितनी बार कटेगा, 28 × 56 होता है, तो 28 बार कट गया, ठीक। अब ये जो 7 है ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आर स्क्वायर बराबर बचेगा आपका 28 × 7। अभी भी इनका मल्टीप्लाई मत करिएगा, क्योंकि आपको क्या निकालना है, आपको ये 7 जो है उधर चला गया, तो इस 7 को हटा देंगे यहाँ से, ये 7 उधर चला गया, तो आर स्क्वायर बचा हमारे पास, आर स्क्वायर बराबर 28 × 7। अब एक बात देखिएगा कि 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 को हम लिख सकते हैं 7 × 4, 7 × 4 = 28, 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 4। तो आइए देखो, दोबारा से इसको मैं सॉल्व कर दूं, आर स्क्वायर बराबर क्या है, 28 × 7 बचा है, ओके। 28 को क्या लिख देंगे, 7 × 7 = 28 × 7। तो अब देखिएगा, 7 और 7 तो 2 मिल गए। अब 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं 4 की जगह पे, तो 4 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2 × 2, तो ये टोटल क्या बचेगा, 7 × 7 × 2 × 2, जो कि है आर स्क्वायर के बराबर। अब देखो, आर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटा दो, अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। अब देखो, 7 का हमारे पास पेयर है स्क्वायर है, 2 का हमारे पास स्क्वायर है, तो 7 के एक स्क्वायर से एक अंडर रूट कट जाएगा, और 2 के स्क्वायर से एक अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 × 2 = 14। तो r बराबर हमारे पास क्या बचा है, r बराबर हमारे पास क्या बचा है, 14। तो हमें क्या निकालना है, 2r निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 14 × 2 = 28, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर 28 मीटर हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आओ, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा यार, मैं उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब आगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है। देखो भाई, चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योगफल, चारों कोणों का योगफल जो होता है वो 4 समकोण यानी कि 90 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि 9 × 36 होता है, 360 होता है टोटल, ठीक है, 360 होता है। और चतुर्भुज की बात की जा रही है तो चारों कोणों का योगफल होता है कैसा, 4 समकोण के बराबर होता है, 9 × 36, ठीक है। उसके बाद, चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु होता है कहलाती है। भाई, चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु होता है, मतलब कैसे, उभयनिष्ठ कैसे, कॉमन, मतलब ये चतुर्भुज बना हमारा, ठीक है, चतुर्भुज बना। अब इसमें क्या है, इसमें वे दो अंत्य भुजाएं, ये भुजाएं, ये जिनके
एक उभयनिष्ठ अंत्योदय बिंदु होता है कि ये बिंदु इनके में कॉमन है, तो ये क्रमागत कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रमागत, क्रम से है, एक दो तीन ऐसे करके, ये क्या कहलाती है? क्रमागत कहलाती है। तो ये हो जाएगा क्रमागत भुजाएं। उसके बाद है आपका चतुर्भुज के अंत कोण होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई सिंपल सी बात है, चतुर्भुज चार भुजाएं हो तो जितने कोण होंगे चार कोण हो जाएंगे, सिंपल। वर्ग की भुजाएं होती हैं भाई, वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं? सभी बराबर होती हैं, वर्ग की भुजाएं सभी बराबर ही तो होती हैं, जब तो वर्ग वर्ग होता है, ठीक है, वर्ग की भुजाएं सभी बराबर होती हैं, तो उत्तर हो जाएगा ब। उसके बाद है आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं। अब आयत के जो विकर्ण होते हैं, देखो आयत क्या होता है, सबसे पहले मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आयत क्या होता है, आयत कुछ इस तरीके का होता है कि उसके दो आमने सामने वाली भुजाएं समान होती हैं, और इधर दो आमने सामने वाली भुजाएं समान होती हैं, और एंगल जो होता है वो 90 डिग्री पर बन रहा होता है इन दोनों का, ठीक है, बस वर्ग से ये भिन्न होती हैं। तो आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं, विकर्ण, ये विकर्ण, विकर्ण परस्पर होते हैं। विकर्ण कैसे होते हैं परस्पर इनके? तो विकर्ण जो होते हैं इनके बराबर होते हैं, विकर्ण इनके बराबर होते हैं। उसके बाद है वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं, देखो अभी पढ़ के आए, समान होती हैं। उसके बाद समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी कि सामने वाले के, ऐसे ये होता है समांतर चतुर्भुज, इसमें जो सामने वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने वाली बराबर होती हैं। उसके बाद है सम्मुख वाली। उसके बाद है चतुर्भुज के प्रकार, तो चतुर्भुज के प्रकार, समलंब चतुर्भुज चतुर्भुज का प्रकार है, समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज का प्रकार है, सम चतुर्भुज भी चतुर्भुज का प्रकार है, और उपरोक्त सभी, जी हाँ ये उपरोक्त सभी ही तो उत्तर हो जाएगा इसका। उसके बाद आता है आयत एक चतुर्भुज है। आयत क्या है? एक चतुर्भुज है, कैसा? समलंब, समांतर, सम चतुर्भुज या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने समझा था कि आयत जो होता है बेसिकली ये दोनों भुजाएं समान होती हैं, ये दोनों भुजाएं समान होती हैं, तो इसका मतलब वो समांतर होता है। कैसा होता है? समांतर होता है। उसके बाद है समांतर चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल होता है, भाई चाहे कोई सा भी चतुर्भुज हो उसके सारे कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। उसके बाद है सम चतुर्भुज के कोण होते हैं बराबर, समान, समकोण या सम्मुख कोण बराबर, तो सम चतुर्भुज है भाई, इसमें सम्मुख कोण हमारे बराबर होते हैं, सिंपल। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल दो अंक हैं तो वह संख्या है, भाई देखो किसी कोई संख्या है उसके वर्गमूल में केवल दो अंक हैं तो वह संख्या क्या हो जाएगी? या तो भाई एक अंक या दो अंक की, दो अंक या तीन अंक की, तीन अंक या चार अंक की, या चार अंक या पांच अंक की। देखो ये चार अंक या पांच अंक की, या तीन अंक की या चार अंक की, देखो इसमें चार चार जहां आ रहा है वो तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये तो बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि वर्गमूल में केवल दो ही अंक है, वर्गमूल में अंडररूट में बोला गया है कि दो अंक है तो वह संख्या हो सकती है। तो अंडररूट में जब दो अंक है तो असल में उसके कितने कितने हो सकते हैं? दो अंक या तीन अंक। उत्तर हो जाएगा ब। असल में क्या हो जाएगा? उत्तर ब हो जाएगा क्योंकि वर्गमूल में केवल दो अंक है। इसके बाद है तीन सही 3/8 का घनमूल। देखो ऐसे क्वेश्चंस को देख के मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, सबके साथ होता है कि 3 सही 3/8, अब इसका तो घनमूल करना बताया ही नहीं है, ये तो पता ही नहीं है कि कैसे होना है, 3 सही 3/8 है, ये तो हमें पता ही नहीं होगा फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट होगा। तो देखो बहुत ही ईजी है, इसको कुछ नहीं करना आपको, बस इसको ईजिली सॉल्व करना है। कैसे? देखो हम जानते हैं 8 का मल्टीप्लाई 3 से 8 24 और 3 27, यानी कि एक्चुअल में ये फ्रैक्शन जो दे रखा है ये 27/8 दे रखा है। क्या दे रखा है? 27/8, और इसका क्यूब रूट निकालना है यानी कि इसका घनमूल निकालना है। अब घनमूल निकालने के लिए देखेंगे 27 किसका क्यूब है? 3 का, और 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो 3/2 उत्तर हो जाएगा इसका भाई, 3/2 उत्तर हो जाएगा। लो हो गया इतना इजी क्वेश्चन। उसके बाद है एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेमी हो तो वर्ग की भुजा क्या होगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन। कैसे? एक वर्ग है उसका विकर्ण, ये विकर्ण होता है, इसकी विकर्ण की जो वैल्यू है वो 5√2 है, और एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो a√2 होता है। क्या होता है? a√2 वर्ग के विकर्ण का, तो √2 से √2 कैंसिल, तो एक इसके बराबर बचा 5 के, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा भाई 5 सेमी, ठीक है। उसके बाद 66, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? देखो भाई ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो में बताया था, और बहुत ही इजी है कि cos स्क्वायर थीटा का मान यदि 1/2 है तो cos स्क्वायर थीटा का मान वही हो तो sin स्क्वायर थीटा का मान भी वही रहेगा, 1/2 ही रहेगा। जी हाँ, देखो ये जो क्वेश्चन है 67, इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि जब मैं पूरा सर्कल आपको समझाऊं इजीली कि इसके अंदर कोण जो आते हैं और ऊपर के ये कोण आते हैं, इस टाइप के जब क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा तभी मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, मतलब मैं ध्यान से रखूंगा, इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाऊंगा। इसमें अभी मैं आपको आधा आधा समझा दूं कि हाँ ये होता है, ये होता है, और इस एंगल की वजह से हो जाएगा, तो आपके समझ में नहीं आएगा। जब डिटेल में मैं वृत्त की सर्कल की वीडियो लाऊंगा उसमें मैं इस क्वेश्चन को आपको जरूर समझाऊंगा। तो इसको अभी आज के लिए स्किप करते हैं अभी की वीडियो के लिए। तो इसके बाद है 68,
परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल है। देखो भागफल निकालना है सिंपल, तो 4/-5 है, क्या है 4/-5, और बटे में आ जाएगा आपका 8/15, ठीक है 8/15। तो देखो क्या होता है, पास वाले के साथ मल्टीप्लाई और दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो देखो जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 से 8 दो बार कट जाएगा और 2 5 के पास चला जाएगा और 15 चला जाएगा ऊपर, तो एक्चुअल में बचेगा क्या 15, माइनस का साइन तो चलता ही रहेगा, अपॉन में 5 × 2 = 10, क्या बचेगा 5 × 2 = 10, तो ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा 5 × 2 = 10 और ऊपर हो जाएगा 5 × 3 = 15, तो माइनस का 3/2 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 3/2, तो ये हो जाएगा उत्तर माइनस का 3/2। उसके बाद है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। भाई देखो अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनमें से अभाज्य संख्या 1, 3 और 5 ये हो गई आपकी, तो 3 हो गए ये और यही होते हैं पासे में 6 नंबर, तो इसमें 3 उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर था सिंपल। 0.4 × 0 और 8 का घनमूल क्या होगा बेसिकली। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, इसको जूम कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं जूम कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, इसी पे करके दिखाऊंगा कैसे। देखो देखो पॉइंट हटेगा और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5, अपॉन में क्या आ जाएंगे 5 0 आ जाएंगे, अपॉन में क्या आ जाएंगे 5 0 आ जाएंगे एक के पीछे, एक मिनट मैं थोड़ा बड़ा करके ही दिखाता हूँ तभी समझ में आएगा। देखो लिख लेते हैं पहले, देखो 0.0000 और 8 अपॉन में, देखो पॉइंट हटेगा तो 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5। अब देखो ये सारे हट जाएंगे, ये सारे इरेज होते जाएंगे, फिर ये सारे जो होंगे आगे के ये सारे इरेज होते जाएंगे, ये सारे आपके इरेज होते जाएंगे सब, ठीक है। तो 8 बचा, अब 8 जब बचा तो ये किसका, अब इसका क्या निकालना है घनमूल निकालना है, मतलब इसका घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस पर क्यूब रूट चढ़ा देंगे, क्यूब रूट निकालना है। तो 8 किसका क्यूब होता है, 8 होता है 2 का, तो ऊपर तो आ जाएगा 2 अपॉन में। अब देखो ये क्या है, ये कैसे बनना है, देखो 100 2 और ये देखो ऐसे करके 3 और ये 2 कितना हो जाएगा, ये देखो क्या है एक के पीछे कितने थे 5 थे, तो बेसिकली जब क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब निकालेंगे तो हमारा 10^3 है, ठीक है। देखो एक देखो इस क्वेश्चन में या तो एक जीरो और होना चाहिए तभी जाके ये बैलेंस बना पाएगा, इस क्वेश्चन में या तो एक जीरो और होना चाहिए तभी जाके ये बैलेंस बना पाएगा, क्योंकि देखो इधर तो 2 हो गया था लेकिन अपॉन में जो है 10^5 बैठ रहा है जो कि घनमूल में बैठेगा ही नहीं, तो इसका मतलब अगर ये 6 है तो क्या हो जाएगा, अगर 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10^2 का क्यूब लिख सकते हैं, जिससे क्यूब से घनमूल कट जाएगा। तो जी हाँ ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन में थोड़ा सा, आप देख लीजिएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास 2/100 बचा, 2/100 बचा, और 2/100 जब बचेगा तो 0.02 हो जाएगा उत्तर, क्या हो जाएगा 0.02, और देखो ये रहा उत्तर 0.02। तो हाँ ये मिसप्रिंट है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। साइन 30 अपॉन कॉस 60 का मान है, देखो साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान भी यही होता है 1/2, तो 1/2 से 1/2 गया और उत्तर हो जाएगा 1, बहुत ही ईजी है। समीकरण 5x = y और 2x + y = 7 के हल में y का मान बताना है, बहुत ही ईजी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस x की जगह पे y की वैल्यू रख देनी है। कैसे, x बराबर क्या हो जाएगा y/5 हो जाएगा, x बराबर क्या है y/5 है, तो आपको बस x की जगह पे y/5 रख देना है। कैसे, यहाँ पे रख दो, देखो 2x + y = 7 है तो x की जगह पे y/5 रख दो, तो देखो 2 × y/5 + y = 7, तो क्या हो जाएगा, देखो 5 एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 5 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और फिर 5 चला जाएगा उधर, तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा 2y + 5y, ठीक है = 35, क्या बचेगा 2y + 5y, ठीक है = 35, और ये 5y और 2y कितना हो जाएगा 7y, और ये हो जाएगा 35, तो 7 से 5 बार कट जाएगा 35, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5, हो गया इजी, बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने, क्या हो जाएगा उत्तर 5 हो जाएगा उत्तर, सा हो जाएगा 5। अब देखो cot 30/tan 45, tan 45 की वैल्यू जानते हैं 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो आप एक चीज देखिएगा जब अपॉन में 1 है तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा,
ये कैंसिल हो जाएगा और दो और अंडर रूट थ्री में से कुछ हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट थ्री, तो उत्तर क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री अपॉन वन यानी कि अंडर रूट थ्री, सिंपल। उसके बाद है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या निकालने के लिए क्योंकि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है 1800 दे रखी है, तो पाई की जगह पे वैल्यू रख देंगे, सबसे पहले पाई की जगह पे क्या रख देंगे 22/7 रख देंगे, 22/7। अब देखो 22 का गुणा यदि 4 से करेंगे तो 88 आएगा, तो 22 से ये 4 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे 400 बचा, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 × 7, क्या हो जाएगा 400 × 7, यानी कि आर स्क्वायर बराबर बचा 400 × 7। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको उत्तर देखना है कि उत्तर में अंडर रूट 7 दे रखा है, तो इसका मतलब इसको 400 जो किसका अंडर रूट होता है 20 का, क्योंकि 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 20 और गुणा में आ जाएगा अंडर रूट 7। तो ये देखो ये पावर नहीं है, ये पावर सी लगा दी है इन्होंने, मिसप्रिंट करा है, गलत तरीके से लिखा है कि अंडर रूट के ऊपर 20 चढ़ा दिया है, तो ये 20 अंडर रूट के ऊपर नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है 20 गुणा में अंडर रूट 7 है, या फिर अंडर रूट 7 इंटू 20 या 20 इंटू अंडर रूट 7, तो ये उत्तर हो जाएगा द, उत्तर क्या हो जाएगा द हो जाएगा आपका। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा बताऊंगा उन क्वेश्चंस को। उसके बाद है 2x² - x - 1 = 0। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने बहुत ही इजी ट्रिक बताई थी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस यदि आते हैं गुणनखंड निकालने के लिए, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप इसको इनको आंसर्स को देख के कर सकते हैं पुट करके, 2 मिनट लगेंगे पुट करने में, क्योंकि क्या होता है गुणनखंड के लिए मैंने आपको वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, लेकिन इसमें हमें टाइम बचाना होता है, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना होता, तो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको देख लेते हैं आपको, तो क्या करना है एक्स जगह पे सबसे पहले 1 रख दो, एक्स जगह पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, -1 -1, तो देखो -1 -1 -2 -2 से -2 गया 0 आ गया इसका आंसर, तो ठीक है चलो पहला वाला मैच हो गया। उसके बाद -2 -1/2, तो -1/2 रखेंगे तो 2 × -1/2 का स्क्वायर, यानी कि -1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो यानी कि -1/2 का स्क्वायर माइनस यानी कि प्लस का 1/4 है ना, और 2 × 4 ये 1/2 बचा, और इधर x की जगह पे माइनस का 1/2 रखेंगे तो प्लस का 1/2, तो आधा आधा 1 हो जाएगा और -1 यानी कि 0, तो देखो ये पहला वाला ही उत्तर सही हो गया, ठीक है पहला वाला ही उत्तर हमारा सही हो गया। तो ऐसे ही आप इसी तरीके से वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, ये वैल्यू पुटिंग मेथड होता है। 76 संख्या 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, ये क्वेश्चन मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन, क्या कि इसमें वर्गमूलों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 है टोटल ये, ठीक है, और जैसे 5 होता है तो उसमें ज्यादातर चांसेस 3 के रहते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद है किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 है, चौथे कोण की माप क्या होगी, भाई चतुर्भुज क्या है 360 होता है टोटल, 360 में से 285 घटा दो कितना बचेगा, भाई देखो 10 में से 5 गए 5, उसके बाद में 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा आपका, 15 में से 8 गए तो 7 बचेगा, ठीक है, तो क्या बचेगा 75 हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा 75। अब देखो परिमेय संख्या -32/100 - 100 का सरलतम रूप क्या होगा, सबसे पहले माइनस से माइनस काट दो भाई, उसके बाद 4 से कट जाएगा 4 × 8 = 32 और 100 कट जाएगा 25 × 100, तो 8/25 उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/25 इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है देखो उसके बाद क्या है 0.123456 का घनमूल क्या है, तो देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, देखो 1/10⁶, जैसा मैंने बताया था पिछले वाला मिसप्रिंट था, क्योंकि यहाँ पे 10⁶ है, तो इजीली घन से क्या हो जाएगा स्क्वायर, हम इसको क्या लिख सकते हैं देखो 1/10² का क्यूब लिख सकते हैं, 3 × 2 = 6, जिससे क्या हो जाएगा घनमूल कट जाएगा, घनमूल कट जाएगा, तो 1/10² बचेगा, 1/100 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा उत्तर, उत्तर बा हो जाएगा, उत्तर बा हो जाएगा, ठीक है ऐसे क्वेश्चन को करना है। समीकरण 3x = 6 और 4x + y = 14 के हल में y का मान बताना है, सिंपली ऐसा क्वेश्चन पीछे ही करा था, अभी दोबारा करा था, दोबारा कर लेते हैं एक बार, दोबारा से ध्यान से समझ लेंगे, जिसने नहीं समझा था दोबारा से समझ लीजिएगा क्या 3x = 6, तो देखो 3 से 6 कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो x बराबर कितना बचा 2, x की वैल्यू 2 कहाँ रख दो इस वाली इक्वेशन में, तो x की जगह 4 × 8 प्लस में y = 14, तो 8 × 14 में से 8 गए तो कितने बचे, 14 में से 8 गए 6 बचे, तो उत्तर क्या हो जाएगा 6, सिंपल। sin 60/cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 60 की वैल्यू सबसे पहले जान लो क्या होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 और cos 30 की वैल्यू भी यही होती है √3/2, इससे ये कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा 1। 2019 में बताओ ऐसा क्वेश्चन आया लुल्लू सा। उसके बाद है 7^1/5 और 7^1/3, इसका मान क्या हो जाएगा, देखो 7^ क्या है 1/5, अब जो 7^1/3 है ऊपर जाएगी तो इंटू में 7^-1/3 हो जाएगी, ठीक है,
अब 7 की पावर 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 3, तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 3। तो देखो 5 इसका मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो देखो ऊपर बचेगा 3 माइनस 5 बटे में 15, और 3 में से 5 गए तो माइनस का 2 बटे में 15, तो उत्तर हो जाएगा माइनस का 2 बटे में 15, यानी कि 7 की पावर माइनस का 2 बटे में 15। अब देखो उत्तर देखो ध्यान से, कितना गंदे गंदे तरीके से प्रिंट कराया इन्होंने ये भाई, ऐसा लग रहा है 7 सही माइनस का 2 बटे 15 है, लेकिन ये 7 की पावर माइनस का 2 बटे 15, उत्तर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा यार, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, हम मेहनत करना चाहते हैं आपके साथ में, आप प्लीज़ अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपने पुरानी 4 वीडियोस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा, पवन सीरीज़ के हमने सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के ख़त्म कर चुके हैं, अब आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे, और ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हमने डाल रखी हैं, एसएसटी की भी डाल रखी हैं, उसके बाद में आपकी साइंस की भी पड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हमने डाल रखी हैं, कृपया करके उन्हें देख लीजिएगा और शेयर कीजिएगा यार ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच, गुड बाय गाइज़।